और अब अगली खबर, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत के साथ सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने बदसलूकी की। इस जवान को न केवल हिरासत में लिया गया है बल्कि उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है, एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। महिला जवान की हरकत के बाद एयरपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पूरे मामले को लेकर, सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े हो गए हैं। जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी, सीआईएसएफ की साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। बीजेपी सांसद कंगना को जड़ा थप्पड़, थप्पड़बाज ने कंगना पर की गालियों की बौछार। चंडीगढ़ से दिल्ली तक थप्पड़ कांड की गूंज। तस्वीरें चंडीगढ़ एयरपोर्ट की हैं, हंगामा बरपा है, बीच बचाव में सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मी लगे हैं, लेकिन हंगामा थमने के बजाय बढ़ता ही गया। इतना कि चीख रही सीआईएसएफ की महिला जवान ने नई नवेली सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत पर जोरदार थप्पड़ चला दिया। थप्पड़ के साथ ही गालियों की बौछार भी जारी रही। दिन दहाड़े भीड़ के बीच कंगना पर थप्पड़ चला तो बखेड़ा बन गया। कंगना से उलझने वाली आरोपी महिला जवान किस कदर क्रोध में थी उसकी चीख से समझा जा सकता है। सिक्योरिटी चेक पर चल रहे इस हाई वोल्टेज ड्रामे से पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। हंगामा थमा तो वजह और आरोपी महिला की डिटेल भी पता चली। कंगना पर थप्पड़ मारने के आरोपी महिला का नाम कुलविंदर कौर है। कुलविंदर कौर कंगना के किसान आंदोलन पर दिए बयान से खफा है। कंगना को एयरपोर्ट पर जैसे ही कुलविंदर ने देखा उसका पारा हाई हो गया और वो उनसे उलझ पड़ी। कंगना से बहस के दौरान कुलविंदर कौर पर हाथापाई के आरोप लगे हैं। कंगना रनौत ने खुद सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर पूरे बखेड़े को विस्तार से बताया। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहां पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने मेरे उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतजार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ बट माई कंसर्न इज़ के जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। कंगना से मारपीट और गाली गलौज के बाद सीआईएसएफ फौरन एक्शन में आ गई। आरोपी महिला को सस्पेंड करने के साथ ही काफी देर तक सिक्योरिटी फोर्स ने मीटिंग की, फिर कुलविंदर के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई। हालांकि अपनी सफाई में कुलविंदर कौर ने जो बात कही वो चौंकाने वाली है। कुलविंदर कौर अपनी माँ पर दिए कंगना के बयान से कुपित हैं। इत्तफाक देखिए कि कंगना रनौत भी आज अपनी माँ से गले मिलकर और आशीर्वाद लेकर घर से निकली। चंडीगढ़ से वो फ्लाइट नंबर UK 707 से दिल्ली के लिए निकल रही थीं, तभी सिक्योरिटी चेक पर बवाल हो गया। कुलविंदर कौर को किसान आंदोलन पर दिए कंगना के बयान नापसंद है। कंगना ने किसान आंदोलन का खुलकर विरोध किया था, उनके कई बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। इसका साइड इफेक्ट कंगना को सांसद चुने जाने के बाद देखना पड़ रहा है। हालांकि मामले की जांच के बाद इस थप्पड़ कांड की हकीकत से पर्दा उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बड़ा अपडेट आपको बता दें, मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन में यह शपथ ग्रहण समारोह होगा, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। इसके अलावा कल सुबह बीजेपी और एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। कल ही एनडीए सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम 5 से 7 बजे के बीच मुलाकात के लिए समय दिया है। और इधर एनडीए सरकार गठन से पहले शर्तों पर बातचीत हो रही है। मंत्रालय को लेकर एनडीए के सहयोगी दलों की अंदरखाने चर्चा बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि टीडीपी जेडीयू सरकार में भागीदारी के लिए बड़े मंत्रालयों की डिमांड कर रहे हैं। कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे,
देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, लेकिन इस बार सरकार के गठन में शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी का जितना वजन है उसकी उतनी ही टशन है। तेलुगु देशम पार्टी की ओर से सरकार में बड़े मंत्रालयों की मांग की जा रही है। कहा जा रहा है स्पीकर पद समेत 5 बड़े मंत्रालयों की मांग टीडीपी की ओर से की गई है। उधर नीतीश कुमार की जेडीयू भी सरकार में भागीदारी के लिए मंत्रालयों की डिमांड पर अड़ी है। हालांकि ये सब सीधे तौर पर नहीं कहा जा रहा। जब हम एनडीए का हिस्सा हैं, तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा है। चिराग पासवान भी एनडीए के सहयोगी दलों में शामिल है। ऐसे में एनडीए की सरकार में उनको भी मंत्रालय मिलना तय है। हालांकि उनकी ओर से कोई मांग नहीं की गई है। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है। बहुत नाशुकरा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। बिहार से ही जीतन राम मांझी की पार्टी ने एक मंत्रालय की मांग की है। एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे रामदास अठावले भी मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर के कम से कम 20 राज्यों में मैं जाकर आया हूँ और वहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोलकर मैं उधर आया था। इसीलिए इस वक्त मेरी मांग है कि हमको क्या कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। कुल मिलाकर एनडीए सरकार में इस बार शर्तों की भरमार है। जिस पार्टी की जितनी सीट है वो अपने हिसाब से सरकार में भागीदारी पर अड़े हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 9 जून को केंद्र में नई सरकार शपथ ले सकती है। इन सब के बीच मध्य प्रदेश से 5 जबकि छत्तीसगढ़ से 3 नामों पर चर्चा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि इनको मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वो कौन से चेहरे हैं जो मंत्रिमंडल की रेस में है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, इसके साथ ही वो इतिहास रचेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कहा यह जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीडी शर्मा केंद्र में मंत्री बन सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा से 8,21,408 वोटों से जीत दर्ज की है। वो पहले भी विदिशा से सांसद रह चुके हैं। 1991 से 2004 तक वो विदिशा से लगातार सांसद रहे। केंद्र में अलग अलग संसद कमेटियों में वो सदस्य रहे। इसके अलावा वो 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और एमपी में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुना सीट से 5,40,929 वोटों से जीत दर्ज की। राज्यसभा सांसद बनने के बाद मोदी सरकार में वो केंद्रीय मंत्री थे। इससे पहले 2007 में केंद्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री रहे। 2009 में सिंधिया वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री रहे। इसके अलावा वीडी शर्मा ने खजुराहो से दूसरी बार जीत दर्ज की है। वीडी शर्मा ने 5,41,229 वोटों से जीत दर्ज की। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज की। कहा यह जा रहा है कि एमपी से महिला सांसदों को भी केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। हिमाद्री सिंह, संध्या राय और सावित्री ठाकुर के नाम पर चर्चा चल रही है। हिमाद्री सिंह ने शहडोल से कांग्रेस प्रत्याशी फुंदेलाल मार्को को 3,97,340 वोटों से शिकस्त दी है। वो लगातार दूसरी बार की सांसद हैं। इसके अलावा हिमाद्री आदिवासी वर्ग से आती हैं, जबकि सावित्री ठाकुर ने धार से 2,18,665 वोटों से जीत हासिल की है। धार से ये उनकी दूसरी जीत है। सावित्री ठाकुर भी आदिवासी वर्ग से आती हैं। संध्या राय ने भिंड लोकसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज फूल सिंह बरैया को मात दी। संध्या राय ने चुनाव 64,840 वोटों से जीता। संध्या राय लगातार दूसरी बार सांसद बनी है और वो दलित वर्ग से आती हैं।
मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में मध्य प्रदेश से 5 मंत्री थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते और वीरेंद्र खटीक। नरेंद्र सिंह तोमर अब विधानसभा के स्पीकर हैं, जबकि प्रहलाद पटेल सूबे में मंत्री। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो कहा यह जा रहा है कि 3 नाम हैं, लेकिन किसी एक को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। रेस में सबसे आगे ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम चल रहा है। ब्रजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा सीट से 5,75,000 वोटों से जीत दर्ज की। वो लगातार 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं और बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते हैं। जबकि विजय बघेल ने दुर्ग लोकसभा सीट से 4,38,226 वोट से जीत दर्ज की। वो लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं और उनको बघेल के प्रतिद्वंदी के तौर पर बीजेपी ने प्रोजेक्ट भी किया है। जबकि तीसरा नाम संतोष पांडेय का है। संतोष पांडेय ने राजनांदगांव से 44,411 वोट से जीत हासिल की। संतोष पांडेय लगातार दूसरी बार सांसद बने हैं और माना यह जा रहा है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल को मात देने के लिए उनको मंत्री पद का पुरस्कार मिल सकता है। हालांकि ये कयास है, लेकिन किस चेहरे को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाता है ये आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और 18वीं लोकसभा की 543 सीटों में इस बार सिर्फ 74 महिला सांसद हैं। पिछली लोकसभा में यह संख्या 78 थी। इस बार चुनी गई महिला प्रतिनिधि नई संसद का केवल 13.63% हिस्सा हैं। सबसे ज्यादा 31 महिला सांसद इस बार बीजेपी से हैं। एमपी से 6 महिलाएं इस बार संसद पहुंची हैं, जबकि छत्तीसगढ़ से 3 महिलाएं संसद पहुंची हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में महिला शक्ति की धमक तो दिखी, लेकिन ये पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कम है। इस बार लोकसभा के लिए 74 महिला सांसद चुनी गई। इस बार लोकसभा चुनाव में 74 महिला प्रत्याशी जीती। बीजेपी की 30 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव जीता। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर इस बार 14 महिला सांसद बनी। तृणमूल कांग्रेस की 11 महिलाएं संसद पहुंचने में कामयाब रहीं। समाजवादी पार्टी से 4 महिलाएं इस बार संसद में नजर आईं। डीएमके से 3 महिला प्रत्याशी जीत कर संसद पहुंची। जेडीयू और एलजेपीआर से 2-2 महिलाएं सांसद बनकर संसद पहुंची। पश्चिम बंगाल की तरफ से इस बार महिला सांसदों की भागीदारी सबसे ज्यादा रहने वाली। 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 74 महिलाएं सांसद बनी हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 78 महिलाएं सांसद चुनी गई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 11 महिलाएं सांसद बनी हैं। कुल 797 महिला उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 69 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया था। कांग्रेस ने 41 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया था। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद ये पहला चुनाव है। इस कानून में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। ये कानून फिलहाल लागू नहीं हुआ है। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या सबसे ज्यादा थी। 17वीं लोकसभा में 78 महिला सांसद थी। 16वीं लोकसभा में 64 महिला सांसद थी। 15वीं लोकसभा में 52 महिला सांसद थी। भाजपा की हिमा मालिनी, तृणमूल की महुआ मोइत्रा, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले और समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव में अपनी सीटें बरकरार रखी, जबकि कंगना रनौत और मीसा भारती जैसे उम्मीदवारों ने अपनी जीत से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मछली शहर से समाजवादी पार्टी के 25 वर्षीय उम्मीदवार प्रिया सरोज और कैराना सीट से 29 वर्षीय इकरा चौधरी जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की उम्मीदवारों में शामिल है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर इतिहास रचा। उन्होंने तीसरी बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है और अंतरिक्ष का यह मिशन 14 जून तक है। इसके बाद वो धरती पर वापस आ जाएंगी। भारत
भारतीय मूल की और स्पेस की दुनिया में जानी मानी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के नाम अब एक और उपलब्धि जुड़ रही है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में परीक्षण मिशन पर एक नए अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं। सुनीता बुधवार को अपने सहकर्मी बुच विलमोर के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही दोनों ने बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर यान से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले सदस्य बनकर इतिहास रच दिया। कई विलंब के बाद फ्लोरिडा के केप कैनरेवल स्पेस फोर्स स्टेशन से दोनों यान में रवाना हुए। बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट नाम का ये मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया है। अगर ये मिशन सफल रहा तो स्पेस एक्स के क्रू ड्रैगन के बाद स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में लैब से ले जाने और लाने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन जाएगा। सुनीता विलियम्स ने इस तरह के मिशन पर जाने वाली पहली महिला के रूप में भी इतिहास रचा। साल 2012 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा के दौरान वो अंतरिक्ष में ट्रायथलॉन पूरा करने वाली पहली महिला थी। इससे पहले सुनीता विलियम्स ने साल 2006 और 2007 और 2012 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपने मिशन के दौरान एक महिला के साथ सबसे ज्यादा स्पेस वॉक टाइम 50 घंटे 40 मिनट का रिकॉर्ड बनाया था। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन पर लगभग एक हफ्ते तक रहेंगे। इस दौरान वो स्पेस स्टेशन पर जरूरी परीक्षण करेंगे। सुनीता विलियम्स और विलमोर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर अपने अभियान जारी रखेंगे। सुनीता विलियम्स साल 1987 में अमेरिकी नौसेना अकादमी से ट्रेनिंग लेने के बाद नेवी से जुड़ी थी। उन्हें साल 1998 में नासा ने अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना। वो दो अभियानों का हिस्सा बनी। वो फ्लाइट इंजीनियर और कमांडर के रूप में काम कर चुकी हैं। अभियान पूरा करने के बाद दोनों एस्ट्रोनॉट 14 जून को वापसी करेंगे। अमेरिका में रेगिस्तान वाली जगह पर उतरने के लिए स्टारलाइनर यान में सवार होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एग्जिट पोल को घोटाला करार दिया। यह आरोप लगाया कि शेयर बाजार में 30 लाख करोड़ डूब गए। राहुल ने पीएम मोदी और गृहमंत्री और वित्त मंत्री पर स्टॉक मार्केट पर चुनाव के वक्त टिप्पणी करने के आरोप लगाए। राहुल ने पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराने की मांग की है। इधर राहुल के आरोप पर पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बना पाया है, ऐसे में आरोप लगाए जा रहे हैं। बाय शेयर्स बिफोर 4th जून। 19 में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्टॉक मार्केट विल ब्रेक रिकॉर्ड्स ऑन June 4th। फिर 28 मई को रिपीट करते हैं, 3rd जून को स्टॉक मार्केट सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है और 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। बीजेपी के बीच में जो फेक एग्जिट पोलस्टर्स हैं और ये जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनके बीच में क्या कोई रिश्ता है? और अगर रिश्ता है तो क्या है? हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। फिर एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान नजर आते हैं और अपने बयानों के साथ विदेश और देश के निवेशकों को एक भय के वातावरण में निवेश ना करें इसके लिए उत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जेपीसी से जांच कराने की मांग, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये राहुल गांधी का कहना है। इसके बाद पीयूष गोयल पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। और अब बात चोरी की। चोरी के कई किस्से आपने सुने होंगे लेकिन आज जो किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। चोर पार्क के पास से एक बाइक को चुरा ले जाता है, उसकी तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो जाती है और उसके बाद बाइक मालिक उसे गली गली तलाशता है। जब वो नहीं मिलता तो फिर उसके नाम लिखता है एक चिट्ठी, ऐसी चिट्ठी जिसे जो भी पढ़ेगा वो भावुक हो जाएगा। क्या है चोर के नाम की उस चिट्ठी में और क्या चोर उस चिट्ठी को पढ़कर बाइक मालिक को गाड़ी लौटा देगा? पाई पाई जोड़ी उसने,
जिंदगी भर की कमाई अपने उस शौक को पूरा करने में लगा दी, जिससे किसी एक का नहीं बल्कि कई लोगों के ख्वाब जुड़े हुए थे। वो नन्हा सा बच्चा उसी दो पहिया पर सवार होकर बाजार घूमा करता था, लेकिन अब वो पूछ रहा है कि पापा बाइक किधर है, क्या हम बाजार नहीं जाएंगे फटफटिया से? अब जरा इस चोरी की वारदात की तस्वीर को देखिए। दरअसल ये अजब एमपी का गजब वाकया है। एमपी के इंदौर में एक व्यक्ति की बाइक चोर उठा ले गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। बाइक मालिक अपनी दो पहिया को खूब ढूंढता है, लेकिन जब नहीं मिलती तो एक मार्मिक चिट्ठी लिखता है। ये चिट्ठी उस चोर के नाम होती है जिसने उसकी बाइक चुराई थी। वाहन मालिक का पत्र हर किसी को भावुक कर देता है। वाहन मालिक ने पत्र लिखा है कि आदरणीय चोर साहब, मेरी गाड़ी आप वेदा बिजनेस पार्क से चुरा ले गए हैं। आप चोरी करते हुए कैमरे में कैद भी हुए हैं। मेरा नाम सतीश सालवे है। मैं एक निजी ऑफिस में एक छोटे पद पर काम करने वाला कर्मचारी हूँ। मुझे हर महीने सिर्फ 8,000 रुपए मिलता है। मैंने जिंदगी भर की कमाई से इस गाड़ी को खरीदा था। जब से मेरी गाड़ी चोरी हुई है तब से मैं सो नहीं पाया हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पिताजी भी नहीं हैं और मेरी 3 छोटी बहनें हैं। पूरे परिवार का भार भी मुझ पर है। मैं बहुत मजबूर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज आप तक जरूर पहुँचेगा। मेरी मजबूरी समझिए चोर साहब, मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। मैं आपको दुआ दूंगा। मैं गरीब इंसान हूँ। मेरी जिंदगी भर की कमाई ये गाड़ी है। मेरा बच्चा गाड़ी पर घूमने के लिए रोता है। मैं उसे क्या जवाब दूँ? जो हर रोज इस गाड़ी पर घूमता था उसने खाना भी छोड़ दिया है और मेरे पास अब दूसरी गाड़ी खरीदने के पैसे भी नहीं है। मैं आपको हर गली मोहल्ले में ढूंढ रहा हूँ। कृपया करके मेरी गाड़ी लौटा दीजिए। अब ये चिट्ठी हर किसी को भावुक कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या चोर इस चिट्ठी के बाद बाइक मालिक को बाइक लौटा देगा? क्या उसका बच्चा फिर से बाइक पर घूम पाएगा? इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।